नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रज नंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, क्या मुस्लिम वोमेन जो कि सेकेंड पत्नी है, जो सेकेंड बीवी है, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? अगर जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है तो उसको किस तरीके से मिलेगा? तो मुस्लिम वोमेन जो है वो पर्सनल लॉ से अभी तक गवर्न होता आया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये प्रोविज़न था कि एक हस्बैंड एक साथ चार बीवियां रख सकता है, लेकिन कुरान के अनुसार रख तो सकता है, वैध है, मान्यता भी दी गई, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि वो चार बीवियां एक साथ केवल एक्सेप्शनल केस में रख सकती है, केवल अपवादवाद में ही रखा जा सकता है। सामान्य नियम ये है कि एक व्यक्ति केवल एक ही पत्नी रख सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वो अभी तक उसको मान्यता दी गई है। एक व्यक्ति एक से अधिक दो तीन चार तक पत्नियां रखता है, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं में ये कन्फ्यूज़न है, क्या दूसरी पत्नी उस पति से क्या गुजारा भत्ता ले सकती है? तो इसके लिए इसका उत्तर यही है कि उसमें अपना गुजारा भत्ता उस पति से बिल्कुल ले सकती है, उसके वही अधिकार होंगे, वही उसके राइट्स होंगे जो एज ए उसको पहली पत्नी को मिले हुए हैं, क्योंकि हस्बैंड ने उसको दूसरी पत्नी भी एज ए फर्स्ट पत्नी की तरह ही रखा हुआ है। या कंट्राडिक्शन है, पहली पत्नी को पता नहीं है कि दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी को नहीं पता है तीसरी पत्नी है, या तीसरी पत्नी को नहीं पता है कि पहले भी तीन पत्नी है या पहले दो पत्नी है। तो कन्फ्यूज़न में उसको चीट करते हुए ये पॉसिबिलिटी आ रही, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का इस तरीके से कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, और उस शोषण के लिए आखिर उसका अधिकार क्या है, वो अपने अधिकार को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं? तो सेक्शन 125 ऑफ द CRPC में एक्सप्रेस प्रोविज़न है कि आप उस अपने पति से, आप चाहे दूसरी पत्नी हैं तब भी आप अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं। ये हो गई इसकी लॉ की बात। अब आखिर प्रोसेस पे आते हैं कि अब ये मेंटेनेंस मिलेगा कैसे। तो मेंटेनेंस मिलने का वही सेम प्रोसेस है कि आपको एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन पर सुनवाई करके आपके आधार को देखते हुए उस एप्लीकेशन पर आदेश पारित कर देगा कि वो पति आपको एक समुचित धनराशि मासिक तौर पे अदा करे। एक लोगों ने और साथ में प्रश्न किया कि क्या इद्दत काल, हस्बैंड कहता है कि मैं तुमको मेंटेनेंस केवल इद्दत काल तक ही दूंगा, उसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो इसके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, क्योंकि ये कहीं कानून नहीं है या कहीं ये लॉ नहीं है कि हस्बैंड आपको केवल इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस दे या गुजारा भत्ता दे आपको जीवन यापन करने के लिए। और इसके साथ ही अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान भी यही कहता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को अपने तरीके से डिग्निफाइड लाइफ, उसके स्टेटस के अनुसार डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने का पूर्ण अधिकार है। इसीलिए ये कानून सेक्शन 125 CRPC 1973 में भी मेंशन किया गया है कि मेंटेनेंस शुड बी गिवन ईच एंड एवरी वोमेन फ्रॉम हर हस्बैंड। वीडियो यूजफुल लगे आपको या किसी आपके निकटती संबंधी को, इससे कोई मदद मिले तो इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।